अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, गुजरते वक्त के साथ साथ जिंदगी गुजारने के अंदाज में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। ये तब्दीलियां आपके रहन सहन में, आपके खाने पीने में, आपके लिबास में, आपके ड्रेस में, आपके हेयर स्टाइल में, हत्ता कि मौसिकी में भी तब्दीली आती है, और ये तब्दीली बहुत जरूरी होती है। गायकी की दुनिया में भी पिछले 20-25 वर्ष में बहुत सी तब्दीलियां आई। एक गायकी का अंदाज जिसे पॉप म्यूजिक कहते हैं, वो आया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। यंगर जनरेशन ने खुद को इससे आइडेंटिफाई करना शुरू किया और ये बहुत पॉपुलर होती चली गई। फिर रॉक म्यूजिक का सिलसिला चला और जो चल रहा है बहुत पॉपुलर है। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान तशरीफ फरमा हैं जिन्हें अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान बल्कि सब कॉन्टिनेंट में ये जो पॉपुलर म्यूजिक है, इस गायकी को मशहूर बनाने में और इनके गाए हुए नगमों को लोगों को गुनगुनाने की आदत डालने में इनका बहुत बड़ा, इनके और इनके ग्रुप का बहुत बड़ा कारनामा है। पिछले कुछ 16-17 वर्षों से इनकी शोहरत का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनका जब भी जो भी नगमा बजता है उसके साथ गुनगुनाते हैं। लेकिन आज जब आपकी इनसे मुलाकात होगी, आज जब थोड़ी देर पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई है, तो इनकी शख्सियत में एक तब्दीली जो हम पिछले काफी अरसे से ऑब्जर्व करते चले आ रहे थे, वो अपनी पीक पर है, अपनी इंतहा। उन्होंने काफी दिनों से इन्हें नहीं देखा वो भी, और जो देखते हैं वो भी बार बार यही कह उठते हैं कि ये आखिर सिलसिला क्या है। लेकिन हम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें बहरहाल ये बेइंतहा तब भी पसंद थे, आज भी पसंद है, लेकिन देखेंगे कि ये सिलसिला क्या है। जी हाँ, जुनेद जमशेद साहब से मैं मुलाकात करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं तो भाई ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए क्या हाल चाल? ठीक, थैंक यू। ये क्यों लोगों के जज्बात से खेलते हो भाई? क्या करते हो, क्या चाहते हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सिलसिला क्या है। ये सब भी इनकी मोहब्बत के लिए ही है, और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद से यहां भेजा है, और अल्लाह ने इंसान को जितनी क्वालिटीज दी हैं और जो सिफात दी हैं वो क्योंकि उसी ने दी हैं, तो एक इंसान जो उनका सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है उन क्वालिटीज का, उन सिफात का, वो ये कर सकता है कि उन सिफात को लोगों की खैरख्वाही के लिए इस्तेमाल करे, उनको नफा पहुंचाने की कोशिश करे, और अपनी जात को मिटा के औरों के लिए कुछ करके चला जाए। ठीक है, इससे पहले कि एक तो बात भाई मैं वाजे करता चलूं, नाज़रीन मैं भी आपसे ही बात वाजे करता चलूंगा कि जब मैं आपसे बात करता हूं या मुझे ऐसे लोग जब किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जो दीन की तरफ रागिब है या ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इसके मुखालिफ है या कोई इस बारे में कोई खुशी सोच सकते हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ शख्सियात, कुछ टैलेंट, कुछ फनकार ऐसे होते हैं जिन पर पूरी कौम का हक होता है, उस शोबे से ताल्लुक रखने वालों का। आपने कहा कि कुछ खसूसियात, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, जहां तक खसूसियात का ताल्लुक है, अभी जो आप खसूसियात का जिन जिक्र करने वाले हैं उसकी बाद में बात होगी, लेकिन जो सबसे पहली खसूसियत जिससे हमने आपको जाना, जिससे आपका नाम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा, वो आपकी गायकी की, इसमें कोई शक नहीं। तो उसको छोड़कर आप मजीद खसूसियात की तलाश में जाने के सिलसिले में जो रागिब हुई का सिलसिला, एक वक्त मेरे पे आया जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी के जो जो अल्लाह ने मुझे क्वालिटीज दी हैं वो क्वालिटीज सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने किसी भी मुसलमान को किसी एक इलाके में नहीं झगड़ा, उनको हर मुसलमान को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए बनाया है। ठीक है, यही वजह थी कि सहाबा कराम हालांकि मदीने में रह रहे थे, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी उनको मिल रही थी, और वो क्यों छोड़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को, लेकिन सारी इंसानियत की खातिर वो फैल गए, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, और अल्लाह के पैगाम को उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक ये कोशिश की कि एक एक तक पहुंच जाए, तभी मैं और आप भी मुसलमान हुए, वरना हम तो खराब तक तो बात ही ना पहुंचती। तो ये एक सोच थी जो बड़े अरसे से मेरे अंदर चली आ रही थी, चली आ रही थी, चली आ रही थी, और मैंने ये रियलाइज करता जा रहा था कि गायकी से ज्यादा जुनेद एक बड़ा काम है तुम्हारे लिए, सिर्फ ये है कि तुम्हें अपनी जात को पेश करना है, उसके लिए काम लेना अल्लाह का वो है। आपने कहा कि बतदरीज ये तब्दीली आपके अंदर आती रही, ऐसा पहले भी हुआ। जुनेद जमशेद के बारे में ये हमने खबर पढ़ी कि जुनेद जो है वो मौसीकी से दूर जा रहे हैं, आपने दाढ़ी भी रखी, इससे कदर छोटी थी, लेकिन उसके बाद सारा सिलसिला हुआ दोबारा।
तो क्या कोई मतलब जंग अंदर से चलती रहती है या कोई ऐसा कोई पीछे लोग हैं जो आपको इसकी तरफ बुलाते हैं, बावर करते हैं, या किसी तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है, क्या है ये सूरत हाल? क्या ये मुझे बड़ी खुशी समी भाई आपने ये सवाल किया। एक तो लोगों ने मुझे ये जरूर कहा कि ये कंफ्यूज आदमी है, तो लोगों ने सही कहा, क्योंकि कंफ्यूज तो मैं था ही, कंफ्यूज में हो गया ना। मतलब मैं तो ये समझ रहा हूं कि यार इससे बड़ा काम ही कोई नहीं, म्यूजिक बनाने से बड़ा काम ही कोई नहीं। देखो कितनी शोहरत मिल रही है, ये देखो कैसे मैं इंटरव्यूज दे रहा हूं, कभी समी भाई इंटरव्यू ले रहे हैं तो कभी बीबीसी इंटरव्यू ले रही है तो कभी सीएनएन इंटरव्यू ले रहा है, देखो ना कितना बड़ा काम कर रहा हूं मैं तो इसी को सब कुछ समझता जा रहा था। यहां तक कि मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जुनैद साहब ठीक है ये काम आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी देख लीजिए कि क्या वाकई आपको इसी काम के लिए भेजा गया है, क्या इतनी जो तुम्हें अल्लाह ने शोहरत दी है, हाँ तुम पहले ये तो देख लो कि तुम क्या इतने वाकई इतने बड़े गायक हो। मुझे एहसास हो मैं तो नहीं हूं। फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी इतने लिमिटेड तुम्हारे टैलेंट पे तुम्हें इतनी शोहरत दी है, कोई तो वजह है इसकी, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस बात को जहन में रखो कि मुसलमान अपनी जिंदगी जो गुजारता है आखिरत को सामने रख के गुजारता है, यही उसमें और अल्लाह के ना मानने वाले में फर्क है। ये एक मेजर फर्क है उसमें। बार बार अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि मेरे मानने वाले इस बात को सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं कि उन्होंने एक दिन मेरे सामने खड़ा होना है। ठीक है, ये जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर ये नहीं कि उन सब कुछ खत्म हो गया, इस जिंदगी के बाद वो फिर उठाए जाएंगे, उनको मेरे सामने खड़ा किया जाएगा और मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वहां कुछ छुपावा भी नहीं है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है वहां पर, तो ठीक है ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये देख लो कि तुम आर यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। एक बात तो आप पहले ही बताइए कि क्या इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कि आप नमाज पढ़े, इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि आप कुछ वक्त जैसे कि आप बीच में कर रहे थे कि आप तबलीग के लिए या सिलसिले के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, चले इस हद तक भी बात समझ में आती है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं था कि आप दोनों चीजें साथ लेकर चलते? समी भाई, या तो सेब सेब है माल्टा नहीं है, और माल्टा माल्टा है सेब नहीं है, ठीक है, दो किश्तियों में पैर रख के आदमी चल ही नहीं सकता, ये तो मेहराब भी जानते हैं। ठीक है, दूसरे ये कि अल्लाह ने अपने नबी को जो दीन दिया ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि लोग कलमा पढ़ें, कलमा पढ़ने के बाद कलमा पढ़ लिया और सिर्फ नमाजें पढ़ें और रोजे रखें और हज करें और ज़कात दें, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं दिया। ये तो इस दीन पर आने की चार स्टेजेस हैं। कलमा पढ़ लिया पहली स्टेज हो गई, इबादत कर ली दूसरी स्टेज हो गई, अब तीसरी स्टेज मुश्किल है और वो क्या है? जिंदगी की तब्दीली। ये बात को